नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। 20 जून के बाद हिमाचल आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम मनाली कीरतपुर के दो चरणों का करेंगे उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है जानकारी कि फोरलेन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी 20 जून के बाद आ सकते हैं हिमाचल। पीएम मंडी और बिलासपुर का भी कर सकते हैं दौरा। एमएस रामचंद्र राव बन गए हिमाचल के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को गवर्नर हाउस में दिलाई उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। जस्टिस राव इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर दे रहे थे सेवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने दिया बयान कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों का एनपीए बंद करने का लिया है जो फैसला, उसके बारे में मुख्यमंत्री पुनः करे विचार, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है सेवा और हिमाचल के डॉक्टर लोगों को दे रहे हैं बेहतर सुविधा। प्रदेश में आज भी पेन ड्राउन स्ट्राइक पर रहे डॉक्टर। इससे राज्य के अधिकांश मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को सुबह के वक्त करना पड़ा परेशानियों का सामना। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने एनपीए बंद करने पर पेन ड्राउन स्ट्राइक का कर रखा ऐलान, लेकिन अभी तक इसका नहीं निकल पाया है कोई समाधान। पावर कॉरपोरेशन और हिम ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली सौर ऊर्जा को खरीदेगा राज्य बिजली बोर्ड। हिमाचल सरकार ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को संशोधित कर किया है यह नया प्रावधान। बोर्ड के लिए सरकार की इन दोनों उपक्रमों से उत्पादित सौर ऊर्जा खरीदना कर दिया अनिवार्य। प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सुक्खू सरकार ने लिया है यह फैसला। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए अगले माह से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग जल्द ही जारी करेगा इसका शेड्यूल। वहीं जुलाई माह में आईटीआई की कक्षाएं शुरू करने की है योजना, लेकिन यह आवेदन प्रक्रिया कब से होगी शुरू इसका शेड्यूल अभी तक नहीं हुआ है जारी। प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जून में मिलेगा 11 किलो आटा और 5 किलो चावल। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आटा और चावल की अलामेंट कर दी है जारी। बीते महीने भी उपभोक्ताओं को दिया गया था इतना ही आटा और चावल। जुलाई में कोटा बढ़ने के हैं आसार। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर राशन कराया जाता है उपलब्ध। 50 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला हरा मटर अब मुश्किल से बिक रहा है 20 रुपए प्रति किलो। कुल्लू की सबसे बड़ी भुंतर सब्जी मंडी में 5 रुपए से शुरू होकर 20 रुपए तक लगी है मटर की बोली। इन दिनों भारी मात्रा में मंडियों में पहुंच रही है मटर की खेप। शुरुआत में 50 रुपए से भी अधिक था मटर का भाव। देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर जल्द दौड़ेगी एचआरटीसी की बस। 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी और लगातार 30 घंटे का यह सफर प्रकृति के विभिन्न नजारों का करवाएगा दीदार। रोमांच से भरे सफर के दौरान पर्यटकों को देखने को मिलेंगे मौसम के विभिन्न रंग। 30 घंटों के सफर को रोमांचक बनाएगी मैदानी इलाकों की झुलसाने वाली गर्मी और बर्फीली वादियों की हाड़ कपा देने वाली ठंड। प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी। राजधानी शिमला और मंडी में बरसे बादल। कुल्लू जिला में अंधड़ के कारण रोकना पड़ा पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग। प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 8 डिग्री तक दर्ज हुई है गिरावट। ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते गेहूं व लहसुन आदि फसलों को पहुंचा है नुकसान। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।